अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, दक्कन आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में फिर एक बार नई वीडियो और नई जानकारी के साथ आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं मर्दाना कमज़ोरी और मर्दाना टाइमिंग और वक्त से पहले इंजाल हो जाना, मणि का पतलापन, धातु वीरज की कमी जैसे अमराज आजकल नौजवानों में ज़्यादातर देखे जाते हैं, इस बिना पर मैं आज एक ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद चीज़ और फ़ायदेमंद वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इस हलवे को बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक सतावर, दूसरा है कुंगी के बीज, तुख्म कुंगी जिसे कहते हैं, और शहद। शहद देसी और खालिश शहद लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, सतावर के बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो सतावर के फ़ायदे के बारे में एक वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड की थी, मैं उसको आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये कुंगी के बीज है दोस्तों, ये इसका पौधा किस तरह से होता है और ये किस तरह कुंगी के बीज तैयार होते हैं, इस बिना पर मैं आपको पौधे से मुतालिक थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। और दोस्तों, हमको चाहिए शहद। ये देखिए शहद भी मर्दाना कमज़ोरी और बहुत सारी बीमारियों में लाजवाब फ़ायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कुंगी के झाड़ के दरख्त या पौधा या झाड़ जो भी कहते हैं उसके तरफ, आपको उसके मुतालिक मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये पौधा कंगी का है। इसके पत्ते कपास के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं। ये मौसम बरसात में अपने आप पैदा हो जाता है, जो इंसान के लिए करिश्मे से बढ़कर है। इसके इस तरह के फल होते हैं जो कंगी के मुशाबहत होते हैं, इस वजह से इसे कंगी बूटी भी कहते हैं। इसका बॉटनिक नेम यूरोफो बियोडराकम कोलाइडेसिस है। इसके फल जब पक जाते हैं तो इसमें से बीज निकलते हैं, जो आपको किसी भी जड़ी बूटी या पंसार के यहाँ से सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखें, जानकारी बहुत अहम है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जिन भाइयों को मणि का पतलापन की शिकायत हो, वक्त ख़ास में कमी हो और इंजाल बहुत जल्द हो जाता हो, वो ये नुस्खे से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस माजून को तैयार करने सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी खालिश शहद की, जो कि आपको लेना है 200 ग्राम, और इसमें आपको चाहिए 50 ग्राम कुंगी के बीज और 100 ग्राम सतावर। ये देखिए दोस्तों, मैंने सतावर का और कुंगी के बीज का दोनों का सुफू बनाकर तैयार रखा है। कुंगी के बीज मर्दाना ताकत को बढ़ाते हैं, वीरज के पतलेपन को दूर करते हैं, और सतावर मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हुई है। हम इसको तमाम शहद के अंदर हल कर लेंगे। सतावर 200 ग्राम को हम सतावर 100 ग्राम सतावर को और 50 ग्राम कुंगी के बीज को शहद के अंदर हल कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, मेरा चैनल दक्कन आयुर्वेदिक को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, नुस्खा बहुत ख़ास है, मर्दाना टाइमिंग और वीरज का पतलापन और जल्दी इंजाल हो जाना जैसे अमराज में, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेरा का बारह का आजमाया हुआ है, इसको अच्छे से आप शहद के अंदर हल कर लें। इसकी मकदार ख़ुराक चाय के एक चमचे से सुबह खालिश गाय के दूध के साथ एक चाय का चम्मच खाने से पहले, और शाम को खाने से पहले एक गिलास गाय के खालिश दूध के साथ एक चम्मच है। इसको तकरीबन एक हफ्ते से दो हफ्ते तक इस्तेमाल करने पर आपको अच्छे से अच्छे नतायज मिलेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इसको बनाएं और फ़ायदा उठाएं। आजकल के जो अमराज हैं, मर्दाना कमज़ोरी और टाइमिंग के लिहाज से, ये ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद नुस्खा है, बनाएं और फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से हल कर लें, थोड़ी मेहनत लगेगी, आप इसको घर पर बना सकते हैं, एकदम आपको सस्ता नुस्खा है ये, आपको ज़्यादा रुपये में भी खर्च करना नहीं पड़ेगा, आपको कम से कम खर्चे में आपको मिल जाता है। सतावर आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी, घर ले आकर उसको सफूफ का शक्ल दे। सतावर को बारीक सफूफ कर ले और कुंगी के बीज को भी बारीक सफूफ कर ले, या आपको सफूफ शहद के अंदर मिलाना है, अच्छे से हल करना है, और सुबह व शाम चाय का चम्मच एक गिलास दूध के साथ खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें। वीरज का पतलापन, मर्दाना कमज़ोरी, टाइमिंग और जिरियान मनी के लिए भी ये बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खा है। आप इसको चाहे तो एक शीशी की बोतल में भी भरकर रख सकते हैं। ये बिल्कुल बेज़रर और बहुत मुफीद नुस्खा है। सतावर वीरज को बढ़ाता है, मर्दाना कमजोरी को दूर करता है, और कुंगी के बीज भी इसी तरह वीरज के पतलेपन को दूर करते हैं, और इंजाल को जल्दी जो इंजाल हो जाता है उसको भी बहुत ज़्यादा कारामत है। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए आज तक के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।